सो हे गाइस, आज हम इस फोटो को यूज करके छठ पूजा पे ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आउटलाइन कर रहा हूँ। आउटलाइन करने के बाद आपको सिर्फ 4 रुपीज का एक पेन मिल जाएगा, ब्लैक पेन, उससे आप इसको आउटलाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है और बहुत रियलिस्टिक बना है और आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर कलर करेंगे जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। और कलर करने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली के साथ मैं यहाँ पर किया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल है इस ड्राइंग में। और गाइस, आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ पेंसिल कलर का यूज़ नहीं किया है, बहुत सारा वैरायटी कलर का मैं यूज़ किया है, डिफरेंट कलर का यूज़ किया है, जैसे कि हो गया हमारा ऑयल पेस्टल्स और वाटर कलर, सब पेस्टल। तो सब पेस्टल को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। और उसके बाद हम यहाँ पर बाल भी बनाएंगे। जो बाल है गाइस, मैं इसको पेंसिल कलर से बना रहा हूँ क्योंकि पेंसिल कलर से ये अच्छे से डार्क हो पाएगा लगता है मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मतलब ब्लैक कलर यूज करने के बाद भी मैं यहाँ पर ब्लू कलर का भी यूज किया है ताकि इसको अच्छे से ब्लेंड कर पाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्किन कलर के लिए वाटर कलर का चॉइस किया क्योंकि मेरे पास स्किन कलर का पेंसिल कलर नहीं था, वो कहीं खो गया है, तो कोई नहीं। तो उसके बाद आपको इसको इस अच्छे से डिटेल के साथ करना है, जहाँ पर आपको डार्क है वहाँ पर आपको डार्क यूज करना है, लाइट है लाइट यूज करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर दुपट्टा का ड्रॉइंग कर रहा हूँ, पिंक कलर से लेकर रेड कलर तक। तो गाइस, मैं बताया तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, और ऊपर से तो गाइस मैं इसको ड्राइंग जब कर रहा था वो सुबह का टाइम था और करीबन 3-4-5 घंटे लग ही गए होंगे, और एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए अगर हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट पर जरूर बताना कि आपको ये एडिटिंग और ड्राइंग कैसा लगा, तो ज़रूर बताना। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो कलर है उसको जितना हो सके इतना HD बनाने की ट्राई किया है ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन है छठ पूजा के लिए। और उसके बाद जो पानी तो बहता है उससे ना, उससे हम लास्ट में बनाएंगे क्योंकि ऑयल पेस्टल भी अभी सीनरी ड्राइंग करना बाकी है। तो मैं यहाँ पर सीनरी बनाने के लिए ऑयल पेस्टल का कलर का यूज़ किया है, जबकि मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ आज। और मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लू और रेड और येलो का यूज़ किया हुआ क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, सुबह सुबह ही ये काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो नाइट और जो सुबह का टाइम है वो मिक्स किया गया है। और नीचे भी हम वैसा ही ड्रॉ करेंगे ताकि ये रिफ्लेक्स जो नीचे पड़ रहा है वो लगे। और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे हाथों की मदद से। तो आप हो सकते हो टिश्यू पेपर या फिर नॉर्मल सा पेपर को भी आप यूज़ कर सकते हो उसको ब्लेंड करने के लिए, लेकिन मैं फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिंगर से कंफर्टेबल होता हूँ और फिंगर से ज़्यादा अच्छा भी ब्लेंड हो पाता है मेरी हिसाब से। और उसके बाद पीछे हम कुछ मंदिर वगैरह बना देंगे ताकि हम जो ड्रॉइंग है वो अच्छे से मतलब ऑब्जर्व हो पाए और रियलिस्टिक लगे, और कोई देखेगा तो कहेगा हाँ यार सही है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमें उसके हम बाद में हम जो कलर से जो वाटर गिर रहा है उसको बनाएंगे, तो अभी वो टाइम आ चुका है, अभी बनाएंगे। सो फाइनली गाइस, ड्राइंग कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना, सब कुछ ठोक डालो यार। सो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।